आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैनमाशर के अंदर एनर्जी फ्लो नेम एनिमेशन इंट्रो कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको इस तरह का इंट्रो क्रिएट करने के लिए यहां पर आपको एक ऐप को यूज करना है जिसका नाम है कैनमाशर। इसके लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो वहां पर आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली कैनमाशर ओपन कर लेना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कैनमाशर ओपन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको इस प्लस मार्क के ऊपर क्लिक करके 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको जाना है मीडिया के अंदर और बैकग्राउंड्स के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आना है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर और फिर से आपको जाना है यहां पर लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर देख सकते हैं इतने सारे लेटर्स हैं, इन सारे लेटर्स के लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर सब इसको डाउनलोड कर लीजिए। कर देने के बाद में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है उसको यहां पर आपको लोड करना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कर देने के बाद अभी आपको क्या करना है, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग करके, इसको सेलेक्ट करके दोस्तों यहां पर आपको स्क्रीन सेलेक्ट करना है और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर दूसरे नंबर आप देख सकते हैं आपकी जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जितना यह है दोस्तों उतना आपको कर लेना है और दोस्तों इसको कर दीजिए ओके। फिर से दोस्तों आना है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर और फिर से आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों वही फोल्डर के अंदर जाना है आपको, जो भी दोस्तों आप लिखना चाहते हैं वो सारे लेटर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, जो भी लेटर है दोस्तों उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दूसरे नंबर आप देख सकते हैं यहां पर मैं इंट्रो करके लिखूंगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पर बिठा देना है और यहाँ पर दोस्तों फिर से तो वही नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग, इसके अंदर से दोस्तों वही आपको इसे भी जो है स्क्रीन करके इसको भी कर देना है ओके। फिर दोस्तों आना है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर, फिर जाना है लेयर, फिर मीडिया के अंदर जाइए और दोस्तों वही फोल्डर के अंदर जाना है और दोस्तों जो दूसरा जो लेटर है उसको आपको यहाँ पर लोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लेटर यहाँ पर आपको शो करेगा। सिंपली दोस्तों वही प्रोसेस है, इसके बाजू में रख देना है और यहाँ पर नीचे आना है वही ब्लेंडिंग और इसे भी जो है दोस्तों स्क्रीन कर लेना है और इसको कर दीजिए ओके। सिंपली दोस्तों वही प्रोसेस, फिर स्टार्टिंग पोजीशन, फिर से आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया और वही फोल्डर, सेम दोस्तों वही प्रोसेस है पूरा आपको, सेम वही आपको जो भी है जो भी आपका नाम है उसको आपको यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर लेना है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कर लिया और इसको जो है छोटा करना है और इसके बाजू में एग्जैक्टली इसके बाजू में बिठा देना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सारे लेटर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपको इसको कर देना है ओके। फिर से दोस्तों आने इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर, फिर आपको जाना है लेयर, फिर मीडिया और दोस्तों वही फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह की एक फुटेज है, इसको यहाँ पर लोड करना है और इसको जो है आपको इस तरह से फुल स्क्रीन करके यहाँ पर आपको फिर से जाना है वही नीचे और वही ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग और दोस्तों इसे भी जो है आपको स्क्रीन कर लेना है और इसको कर दीजिए ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इंट्रो जो है मोस्टली क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे एक बार मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों आपको इसको कर देना है सेव। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं शेयर वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली दोस्तों एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब सेव हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो जो है सेव हो चुकी है। सिंपली दोस्तों अभी आपको जाना है पूरा बैग, फिर से एक बार प्लस मार्क के ऊपर क्लिक करके दोस्तों और एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों सेम वही जाना है मीडिया और बैकग्राउंड के अंदर जाइए और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए और इसकी जो ड्यूरेशन है आपको 8 सेकंड रख लीजिए और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों आना है इसके स्टार्टिंग पोजीशन पर और फिर आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपने अभी जो एक्सपोर्ट करा था जो वीडियो उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लोड कर लेना है। सिंपली दोस्तों वही है प्रोसेस, इस तरह से इसको कर लेना है पूरा बड़ा और जाना है यहाँ पर नीचे, फिर वही ऑप्शन ब्लेंडिंग और इसको भी जो है दोस्तों आपको स्क्रीन सेलेक्ट करना है और इसको कर दीजिए ओके। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो वीडियो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, बस थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 1.9 तक आइए और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों जाना है इसकी स्टार्टिंग पोजिशन पर और इसको थोड़ा छोटा कीजिए
और इसको जो है दोस्तों इस तरह से आपको क्रॉस कर लेना है और इसको इस तरह से बड़ा कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके। तो दोस्तों अभी आपका इंट्रो क्रिएट हो चुका है, चलिए इसे एक बार मैं फाइनली आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छा लुक दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके आप भी कुछ इस तरह के एनर्जी नेम इंट्रो अपने एंड्रॉइड फोन में काइनमास्टर की मदद से ही क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।